नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका फेवरेट आपका अपना निकम्मा देवगन चोपड़ा चौधरी और आप देख रहे हैं देश का नंबर वन शो जी हां आप देख रहे हैं देश का नंबर वन शो सबसे बड़ा चाटुकार कौन आदत से लाचार जी हाँ सलाचार में आप सभी का स्वागत है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि देश में इतनी बड़ी रेल दुर्घटना हुई है तो आज हम आपको बताएंगे इस रेल दुर्घटना के पीछे जिम्मेदार लोग कौन हैं और रेल दुर्घटना में मृत और जो पीड़ित लोग हैं उनको देख करके किस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी की आंखों में आंसू आए दर्द छलक आया और किस तरीके से विपक्ष ऐसे मौके पर पे भी गिद्ध की जैसे रोटियां सेकने में लगा है तो आज हम इस शो में आपको बारी बारी से सब कुछ बताएंगे कि कहां पर क्या हुआ और इतनी बड़ी दुर्घटना के पीछे क्या हुआ तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ये जो दुर्घटना हुई है इस दुर्घटना में जो लोग मृत हुए हैं सबसे ज्यादा जिम्मेदार वही लोग हैं जी हाँ सबसे ज्यादा जिम्मेदार वही लोग हैं क्योंकि जिस तरीके से जब मोरबी पुल गुजरात में जो गिरा था उसमें भी आप लोगों को पता होगा कि हमने आपको बताया था किस तरीके से कुछ लोग जो जिम्मेदार थे वो उस पुल को बार बार हिला रहे थे और हिला करके उन्होंने गिरा दिया था और टूट गया था यानी कि जो लोग वहाँ पर भी शिकार हुए थे वही लोग जिम्मेदार थे इसलिए हमने जांच पड़ताल की है और जांच पड़ताल करके ये निकाला है कि उस ट्रेन दुर्घटना के पीछे जो जिम्मेदार थे वो ट्रेन में बैठे हुए लोग ही थे हम विस्तार से आपको बताएंगे कि ट्रेन में बैठे हुए लोग कैसे जिम्मेदार थे क्योंकि जिस तरीके से ट्रेन में जितनी जगह होती है उससे कई गुना ज़्यादा लोग ट्रेन के अंदर ठुसे हुए थे जिसकी इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए ये लोग मनमानी तरीके से ट्रेन के अंदर ठुस गए और ट्रेन के अंदर इतना भार हो गया है इतने लोग भरे हुए थे कि ट्रेन एक तरफ को झुक गई और सामने वाली से जो ट्रेन आ रही थी सामने की तरफ से उस ट्रेन में भी काफ़ी लोग थे तो वो ट्रेन इस तरफ को झुक गई तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यात्रियों ने ही इतनी बड़ी घटना को इतनी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दिया जो कि वो खुद जिम्मेदार हैं इस तरफ से जो ट्रेन जा रही थी उसमें जो लोग लदे हुए थे तो उनका भार इस तरफ था और उस तरफ से जो ट्रेन आ रही थी उसका भार इस तरफ से था तो जाहिर सी बात है कि दोनों ट्रेनें आपस में भार इधर और इधर और तो दोनों ट्रेनें आपस में लुढ़क करके गिर गई और इसी बीच में एक तीसरी ट्रेन आ रही थी जो भी यात्रियों का काफी भार लिए हुए थी जिसमें यात्री जरूरत से ज्यादा उसके अंदर घुस करके ठुस करके बैठे हुए थे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग ही जिम्मेदार हैं इस दुर्घटना के आप लोगों को याद होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कई बार कहा है और कहा ही नहीं है साबित करके दिखाया है बताया है पूरे देश को बताया है कि किस तरीके से उन्होंने अपने निरंतर प्रयास से आ, अपनी तपस्या से अपने अठारह अठारह घंटे जो वो काम करते हैं इन्हीं लोगों के लिए काम करते हैं देश के नागरिकों के लिए काम करते हैं और उन्होंने बताया कि एक हवाई चप्पल पहनने वाला इंसान भी हवाई जहाज़ पर बैठ सकता है ये व्यवस्था आदरणीय मोदी जी ने की थी लेकिन ये यात्री जो ट्रेन के अंदर ज़बरदस्ती ठूस करके बैठे हुए थे हवाई चप्पल पहनने वाले ही थे इनके लिए मोदी जी ने हवाई चप्पल वालों के लिए हवाई जहाज की व्यवस्था कर रखी है बावजूद इसके ये लोग हवाई जहाज में ना बैठ के ट्रेन से ज़बरदस्ती यात्रा कर रहे थे और इतनी तादाद में इतनी ज्यादा संख्या में लोग ट्रेन के डिब्बे के अंदर ठुस गए उसका भार ज्यादा हो गया और ट्रेन एक तरफ को झुक गई और दूसरी तरफ से आने वाली ट्रेन से दुर्घटना हो गई और तो और इस वक्त विपक्षी जो गिद्ध की भूमिका निभा रहा है ऐसे मौके पर भी राजनीति करने से नहीं चूक रहा है वो लोग आ, हमारे आदरणीय माननीय जो रेल मंत्री हैं वैष्णव जी उनसे लगातार इस्तीफे की मांग कर रहे हैं ऐसे टाइम पे ये इतनी घटिया इतनी घिनौनी राजनीति कर रहे हैं जबकि आप लोगों ने देखा होगा कि रेल मंत्री माननीय वैष्णव जी लगातार घटनास्थल पे बने हुए थे एक तस्वीर भी जारी हुई थी जिसमें आपने देखा होगा कि ट्रेन के डिब्बे के नीचे किस तरह से वो घुस करके चले गए थे और वहां से बाहर निकल रहे हैं अंदर घुस करके उन्होंने जायजा लिया मैं समझता हूं कि भारत के इतिहास में पचहत्तर सालों में आपने कोई भी ऐसा रेल मंत्री नहीं देखा होगा जो दुर्घटना के बाद ट्रेन के डिब्बे के नीचे स्वयं घुस करके और पूरा जायजा ले करके निकला हो बावजूद इसके विपक्ष अपनी रोटियां सेकने में लगा हुआ है और लगातार गिद्ध की भूमिका निभा रहा है और ऐसे मौके पर रेल मंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहा है और इसको देख करके हमारे देश की जनता समझ सकती है कि हमारा जो विपक्ष है हमारे जो अपोजिशन में लोग बैठे हैं हुए हैं उनके अंदर मानवता कितनी शून्य हो चुकी है इसके बावजूद हमारे प्रधानमंत्री जी जो दिल्ली में अपना ज़रूरी काम कर रहे थे अपना काम छोड़ करके जो आपको पता है कि अठारह अठारह घंटे वो देश की सेवा करते हैं देश के लिए काम करते हैं अपना ज़रूरी काम छोड़ के वो स्वयं जी हाँ प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल पर पहुंचने के बाद वहां पर इतनी कड़ी धूप थी इतनी ज़्यादा गर्मी थी इतनी ज़्यादा उमस थी इतनी ज़्यादा गर्मी थी इतनी धूप में मोदी जी घटनास्थल पर पहुँचे वहाँ पर जा कर के जायज़ा लिया और मोदी जी की लोकप्रियता का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मोदी जी जब वहां पर पहुंचे तो वहाँ पर घटनास्थल पर काफ़ी लोग मौजूद थे और वह सारे लोग लगातार मोदी 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 कर रहे थे मोदी जी की यही लोकप्रियता आज विपक्ष से हजम नहीं हो पा रही है और वो लगातार मोदी जी को रेल मंत्री के बहाने निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि देश के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है बिल्कुल सही नहीं है बिल्कुल गलत है ये तो देखा आपने एक इतनी बड़ी जो दुर्घटना हुई उसके पीछे विपक्ष कितना जिम्मेदार है कितना ऐसे मौके पर राजनीति भी कर रहा है और जिम्मेदार भी है हालांकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि घटना के कारणों की जांच होगी और मेरा ये मानना है और बहुत सारे लोगों का मानना है कि इसमें विपक्ष की भूमिका हो सकती है और 2024 में जनता उन्हें ज़रूर सबक सिखाएगी और जनता उन्हें बताएगी और दो में मोदी जी को प्रचंड बहुमत से वापस लेकर के आएगी ऐसा हमारे देश के नागरिकों को और जो ट्रेन में दुर्घटनाग्रस्त हुए लोग जिनसे हमें मोदी जी मिले हैं है? मोदी जी ने रूबरू होकर अस्पताल का दौरा भी किया उन लोगों से व्यक्तिगत एक एक लोगों से जाकर के उन्होंने जो उनका हालचाल पूछा उससे उन पीड़ित लोगों के अंदर एक भावना आई है कि दो में वो वापस मोदी जी को ही जिताएंगे और विपक्ष को लगभग अब जो समाप्त हो चुका है और ऐसे मौके पर राजनीति करने की कोशिश कर रहा है उसको जो है दूर भगाएंगे और वो सत्ता से दूर रहेगी तो आप देख रहे थे देश का आ, ये नंबर वन शो है तो अब हम आ, मिलते हैं कल फिर आ, इसी वक्त आप मैं चल रहा हूँ आप भी चलिए बाढ़ में जाइए कहीं भी जाइए कल फिर मिलते हैं अपने एजेंडे के साथ में